अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR रहमान। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया रावलपिंडी संभाग के मुख्तलिफ हाउसिंग सेक्टर्स का विज़िट करवाने का। बहुत से प्राइवेट और CDA सेक्टर्स हमने आपको विज़िट भी करवाए और हर वीडियो में टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स के हवाले से, जो हमारा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का उसके हवाले से। तो आज हम बैरिया में आए हुए थे अपना ये प्रोजेक्ट आपको विज़िट कराने के लिए, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। पहले मैं आपको एल ब्लॉक दिखाता हूँ। बैरिया टाउन फेज़ 8 जो है, इसके तकरीबन कोई 25 ब्लॉक्स हैं जिसमें ए सीरीज़ है। ए सीरीज़ आपकी MNOPST तक जा रही है। टी इसका आखिरी नॉन पोजेशन एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरसीज़ हैं, 1 से 6 ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा फिर आपके सफारी ब्लॉक्स हैं जिसमें अबू बकर, खालिद बिन वलीद, वो सारे ब्लॉक्स हैं। वो सारी डिटेल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी वीडियो में जो है वो देते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एल ब्लॉक में है। एल ब्लॉक में जो है वो दो कटिंग है, 30-60 यानी 7 मरला और 35-70 यानी 10 मरला। तो हमारा जो है प्रोजेक्ट वो 10 मरला पे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये एल ब्लॉक दिखाना चाहूँ तो वो जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, ये इसका बैरिया का मिडल बुलेवार्ड इसको कह सकते हैं, या मिडल रिंग रोड आप इसको कह सकते हैं। ये आगे जो ट्रैफिक जा रही है, ये आपकी रावलपिंडी रिंग रोड की तरफ जो है वो जा रही है। ये जो सामने आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ब्लैक कलर के जो दो घर बने हुए हैं, वो घर बना हुआ है। ये जो सारी पट्टी है जो रोड के साथ साथ है, वो 30-60 की है यानी 7 मरला की। बाकी अगर आपको इस साइड पर भी दिखा दें तो ये सारा जो इसका एल ब्लॉक है, यहाँ पे 35-70 यानी 10 मरला की कटिंग है सारी। ये अभी रिसेंटली जो है ब्लॉक ये जो है लॉन्च हुआ है, बैरियन इसका रिसेंटली जो है ब्लॉक यहाँ पे पोजेशन दिया और यहाँ पे सारी डेवलपमेंट्स का काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है। बैरिया जो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस की चीज़ें ऑफर करता है, तमाम यहाँ पे आपको पानी, बिजली, गैस की तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अगर ये इसका एल ब्लॉक है, इसी तरह आगे चले जाएं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो आपको इसका एन ब्लॉक नज़र आएगा। वो ऊपर अवामी विलास बने हुए हैं, वहाँ पर बैरिया गार्डन 1, बैरिया गार्डन 2 वो वहाँ पर बना हुआ है। इसकी आगे फिर आगे आपका सारा नॉन पोजेशन एरिया है। तो अभी आपको अपना इस प्रोजेक्ट का विज़िट करवाते हैं, फिर आपको दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी विज़िट करवाते हैं और बैरिया की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाकी आपके साथ शेयर करते हैं। पांच हुए वो एल हुआ है। एल में मैं आपको अपना प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। पैंतीस सत्तर इस फ्लोर की डायमेंशन है, यानी 35 इसका फ्रंट है और 70 इसकी जो है वो लेंथ है। ये इसका वाटर टैंक है, ये इसका सीवरेज टैंक है, ये इसका कार पोच एक तरह का आग है। ये यहाँ से आपकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस जो है वो आपकी यहाँ पे, यहाँ पे आपके जो स्टेयर रूम है यहाँ से सीढ़ियाँ आपके ऊपर जाएंगी, सेपरेट पोर्शन होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से आप ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से दूसरा गेट यहाँ पर हम जो है वो लगाएंगे, यहाँ से आप नीचे वाले पोर्शन को जो है वो अप्रोच करेंगे। ये इसका टीवी लाउंज है, यहाँ पे इस तक मैं खड़ा हूँ। ये ड्राइंग रूम का आप अगर साइज देखें आ जाएगा तो ये ड्राइंग रूम है, उसके साथ आपको वहाँ पे उसके इंडोर वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका टीवी लाउंज आ जाए, LED आ जाएगी यहाँ पे। ये इसका क्योंकि टीवी लाउंज है, यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसका सारा सीटिंग एरिया करेंगे। ये जो हम घर बना रहे हैं बेसिकली ये हमारे क्लाइंट का है, जो सेल करेंगे हम यहाँ पे। पर्पज़ इसका बनाने का जो है वो सेल करने का है, इसको फर्निश करके इंशाल्लाह यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। इसकी सारी हम जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सीटिंग एरिया है, वहाँ पे इसका टीवी है, ये इसका किचन है, ये यहाँ से इसका किचन आ जाएगा और किचन के साथ इसकी एक जो छोटी सी जो गली होती है वो है, यहाँ पे एक दरवाज़ा होगा, आप यहाँ से इन आउट वगैरह जो आपका सिस्टम है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप अगर गली देखें तो ये गली है, पीछे इसके बाउंड्री वॉल भी लग गई है। ये 35-70 के डायमेंशन है, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे 2 बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम इसका ये है, दूसरा बेडरूम इसका ये है, ये इसका बेडरूम है जिसके साथ आपका वार्डरोब और वॉशरूम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और 2 विंडो यहाँ पे हमें इंस्टॉल की है, एक वो विंडो है, एक वो विंडो है, दरमियान में आपका जो है यहाँ पे बेड आ जाएगा और इस साइड पे आपका सोफ़ा हम रखेंगे, यहाँ पे 3 सेट का जो सोफ़ा है, 3 सीटिंग का वो यहाँ पे सोफ़ा आएगा, ताकि बेड जो है वो आपका टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने ना आ जाए, क्योंकि टीवी लाउंज में सामने जिस तरह मैंने आपको दिखाया वहाँ पर भी सोफ़ा होगा, तो कन्वर्सेशन अगर यहाँ से होनी हुई तो वो यहाँ से हो जाएगी। जी इसका मास्टर बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम जो है वो इसका ये है, ये इसका सेकेंड बेडरूम है जिसका ये वाशरूम है साथ में, और ये साथ यहाँ पे इसकी विंडो है, और ये वो गली आपको जो पहले दिखाई ये वो गली है इसके साथ। ये हम यहाँ पे 10 मरला की जो हमने कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट की हुई है बैरिया टाउन में। हमारा जो अपना बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो ये है। दूसरे इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं और वो उसमें क्लाइंट्स रहेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये इंशाल्लाह सेल के पर्पज़ के लिए
अभी आपको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एल ब्लॉक का भी विजिट करवाता हूँ आपको। ये सारा एल ब्लॉक है, ये साथ वाला प्लॉट भी हमारा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके भी यूटिलिटी चार्जेस वगैरह जमा हो चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी काम शुरू कराने लगे। तो ये दो प्रोजेक्ट है, तीसरा प्रोजेक्ट अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, वो पिछली गली में है, वो अभी आपको जाके दिखाता हूँ। जी व्यूज, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, 1350 प्लॉट नंबर है। यहाँ पे अभी हमने इसकी सारे जो लेवल कर दिया था, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते बारिशें हुई हैं तो इस वजह से अभी आप इसकी देख सकते हैं मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नरम हुई है। बॉडी से क्या सारी नरम है कि अंदर बंदा जाए तो उसको पाँव जो है वो अंदर ही डाल जाए। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जी, इसका वाटर टैंक है, इस तरह जी आगे सीवरेज टैंक, फिर ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज, और इसके भी टू बेड्स हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये प्लॉट जो है थोड़ा सा लंबा है, बड़ा प्लॉट है क्योंकि 10 फुट इसके पीछे जो है वो जगह है। तो ये दूसरा प्लॉट है, पहला प्लॉट जो है हमारा जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा के लाया हूँ वो सामने लगा हुआ है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो दीवारें खड़ी हो रही हैं, ये इसका हमारा ये पहला प्रोजेक्ट, दूसरा ये है, तीसरा भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया, वो भी हम वहाँ पर बनाने शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी अपने घरों की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो हमारे ये प्रोजेक्ट विजिट करें। इसके अलावा जो हम डिलीवर कर चुके हैं मीडिया टाउन में, वो भी आपको हम जो है इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे। मीडिया टाउन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा इस बैरियर टाउन का विजिट करवाता हूँ, एल ब्लॉक का, और बाकी जो बैरियर के ब्लॉक्स हैं, उमर ब्लॉक है, खालिद बिन वली जिनको सवारी ब्लॉक्स बोलते हैं, उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम वीडियो विजिट कराऊंगा। और जो इसकी ए सीरीज़ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह, उसका भी इंशाल्लाह आपको जो है विजिट करवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो 5 से 6 वीडियो बन जाएंगी, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी चीज़ों की अपडेट करेंगे। और जो हमारी जो साइट्स चल रही हैं वो आपको जो साइट दिखा के लाया, ये हमारी जो है जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त भी हम आपको इंशाल्लाह इसकी अपडेट करेंगे। तो अभी चलते हैं, आपको जो सारा बैरियर थोड़ा सा विजिट करवाते हैं, इसका एल ब्लॉक है, फिर इसके साथ ही आई और एच ब्लॉक है, वो आपको विजिट करवाते हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये दो प्रोजेक्ट जो है वो आपने विजिट करवाएं, और जो बैरियर टाउन की जो लिविंग स्टाइल है, लग्जरी लिविंग स्टाइल जिसको आप कह सकते हैं, वो आपको बताना मकसद था। अगर आप बैरियर टाउन में प्लॉट लेना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, सेल परचेज़ बैरियर टाउन में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, तो आए चलते हैं आपको बैरियर टाउन जो है वो सारा विजिट करवा। जी बस, इस वक्त मैं एल ब्लॉक का विजिट करवा के आपको थोड़ा सा ले आया हूँ। ए से जो सीरीज शुरू हो रही है आगे एस टी तक ये जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते रहेंगे। एल ब्लॉक के करीब जो स्कूल है वो आपका ये फ्यूचर स्कूल है, ये आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, ये फ्यूचर स्कूल है। यहाँ पे ये फुली ऑपरेशनल है, आपके ओ लेवल ए लेवल तक यहाँ पे जो है वो क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ऑपरेशनल स्कूल है बिल्कुल, एल ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही है। तो ये आपका इसके डॉल्फिन चौक आगे, वो जो ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सा आपको दिखा दें तो वो जो ऊपर ट्रैफिक जा रही है वहाँ पे उसका एम ब्लॉक है, और F1, F2, F3 वो उस तरफ आ जाता है। ये बैरियर का एक मिनी कमर्शियल है, छोटा सा कमर्शियल है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें जो है कैश एंड कैरी, फार्मेसी, जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, बैंक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपने जीटी रोड की तरफ जाना है तो ये जो लेफ्ट साइड पे बुलेवार्ड जा रहा है मेन, ये आपको सीधा जो है Phase 7 और देन आगे आपका जीटी रोड की तरफ जो है वो ले जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया सफारी ब्लॉक के बारे में, सफारी ब्लॉक जो है वो ये बुलेवार्ड जो है आगे आपके सफारी ब्लॉक की तरफ जाएगा, जिसके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे सफारी ब्लॉक का। सफारी ब्लॉक में जो कटिंग है वो दो ही कटिंग है, मेजर कटिंग 5 मरला एंड 7 मरला। ये सामने आपको सारा बैरियर Phase 8 का जो है ए ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है, ये सारा ए ब्लॉक में घर बने हुए हैं, वो सारे ए ब्लॉक है। ये आगे जो रोड जा रही है ये आगे सफारी ब्लॉक की तरफ जा रही है, जिसमें अबू बकर, उस्मान, अवैस, उमर गनी, उस्मान गनी जो ब्लॉक्स हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल अगर आप, मैं आपको एल ब्लॉक की जो प्लॉट की प्राइसेस वगैरह का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूँ, तो जो 10 मरले का प्लॉट है एल ब्लॉक में जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपने एल ब्लॉक देखा है वहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 1.10 करोड़ रुपये मिनिमम रेट अगर आपको बताऊँ तो वो 1.5 करोड़ रुपये है, और अगर मैक्सिमम की तरफ चला जाऊं तो वो 1.15 करोड़ 1.20 करोड़ रुपए आपको एल ब्लॉक में मिलता है, जो आप एल ब्लॉक देख के आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको बैरियर टाउन का 5 मरले का प्लॉट का रेट बता दूं तो वो आपका तकरीबन 60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, जो मिनिमम है। मैक्सिमम पे अगर आप चले जाएं तो 68, 70, 72 उस पे चला जाता है मिनिमम। तो ये आपको ओवरऑल एक ब्रैकेट बताइए कि इस ब्रैकेट में जो है यहाँ पे बैरियर में 10 मरले का या 5 मरले का प्लॉट जो है वो फाल कर रहा है। इस तरह 60 मरले का प्लॉट जो है वो मिनिमम जो है 70 है, इसके अलावा आगे जितना आप ऊपर जाएंगे उधर तक ये प्लॉट जो है वो जाएगा। तो ये सारा बैरियर टाउन का आपको प्राइस टैग आपको मैं बता रहा हूँ,
अगर आप भी बैरिया टाउन में अपना प्लॉट सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवानी है तो उसके लिए भी आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एम आर रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एम आर रहमान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हमारी वीडियोज़ हैं वो ईजिली आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।